अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमेश बिठूडी के संसद में मुस्लिम एमपी कुंवर दानिश शरीफ को दहशतगर्द, उग्रवादी, भड़वा और न जाने क्या क्या कहने के बाद भाजपा संघीय विचारधारा की जानिब से रमेश बिठूडी को उकसाने का नैरेटिव चलाने की कोशिश जारी है, यानी कि दानिश अली ने उकसाने की कोशिश की। खैर, बात को आगे बढ़ने से पहले एक और वारदात के बारे में बोलना जरूरी समझूंगा, जिसमें राहुल सेन नामी हिंदू लड़के को ISIS दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुकात के चलते गिरफ्तार किया गया है। इसे झारखंड के रतलाम से हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए इस्लामिक स्टेट तंजीम के रابطे में होने की इत्तला हासिल और NIA ने इसे गिरफ्तार कर लिया। राहुल सेन रतलाम के खजूरी देवड़ा गांव का रहने वाला था। NIA के मुताबिक राहुल सेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गोवा, कर्नाटक और मुंबई के दिगर साथियों के रابطे में था। अब यह तहकीक भी जारी है कि क्या इसने इस्लाम कबूल किया था या फिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दहशतगर्दों के रابطे में था और मुसलमान होने की एक्टिंग कर रहा था। कितनी सच्चाई है इसके दहशतगर्दों के ताल्लुकात में ही मालूम होगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफी गैर मुस्लिम दहशतगर्दों के रابطे में होने की इत्तला हासिल हो रही है। एक तवील फहरिस्त पाई जाती है। अब इसे अदालती हिरासत में लिया गया। खैर, इसकी जांच जारी है। बात फिर से करते हैं रमेश बिठूडी पर, किस तरह की सड़क छाप जुबान इस्तेमाल कर अपनी तहजीब, अपनी परवरिश का मुजाहरा इसने किया है। सबसे बड़ी बात, भाजपाइयों और खुद वजीर आजम इस पर चुप्पी साधे हुए, साथ में जयशंकर और हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे, यानी किस तरह घटिया हरकत में भी सबका साथ सबका विकास का पैगाम दिया जा रहा। खैर, राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि देश की सड़कें जब गूंगी और सूनी हो जाती हैं, उस देश के संसद आवारा और बदचलन हो जाते हैं। उन्होंने कभी इमरजेंसी के दौर में इस बात को उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ आवाज न उठाने वालों पर कहा था। आज इस बात को दोबारा मुसलमानों के पस मंजर में कहना जरूरी समझूंगा, क्योंकि रमेश बिठूडी ने मुस्लिम पहचान पर ही तो ये बात कही थी, तो फिर इस पर सबसे ज्यादा गौर फिक्र तो मुसलमानों को ही करना चाहिए था। सड़क से संसद तक मुसलमानों की कैफियत का अंदाजा अगर मुसलमान नहीं लगा पा रहा तो आगे भी रास्ता बहुत मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। कई सियासी पार्टियों ने इस पर आवाज जरूर उठाई है। सख्त कार्रवाई का मुतालबा, एहतजाज भी जारी है। आज भाजपा और घटिया जहनीयत वाले रमेश बिठूडी के घर के सामने एहतजाज भी किए गए हो। यकीनन नए संसद के इफ्तिताह के चार ही दिन में मुस्लिम समाज के चुनिंदा कायदों की कैफियत आने वाले दिनों में क्या होगी, इसके महज झलक ही कह सकते हैं। वजीर आजम ने तो इसी नए संसद में कहा था कि कुछ अहम फैसले, तारीखी ऐलानात इस संसद में किए जाएंगे। करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ क्या तारीखी होने वाला था वो रमेश बिठूडी ने बता दिया। महज दानिश अली को ही नहीं बल्कि पूरे भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज को इसने एक तरह से गाली और बदनाम किया। ऊपर हमने जो वाकिया झारखंड राहुल सेन का बयान इसलिए किया क्योंकि असल देश विरोधी ताकतों में कौन मुलविस है और किस तरह एक नैरेटिव चलाते चलाते संसद तक भी देशद्रोही मूल्य जैसे अलकाब अवाम के चुनिंदा नुमाइंदों की जानिब से कहा जाना इसे तारीखी ही कह सकते। अब ऐसा लगना भी लाजिम होने लगा है क्योंकि स्पीकर ओम बिरला हो या वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रस्मी जुमले इस्तेमाल करते हुए कहा कि आगे से इस तरह के बयान होने नहीं देंगे। मतलब क्या, ये तमाम पहले से तय था और छोटी सी बात ट्वीट करने वाले वजीर आजम तो अब तक खामोश है। खैर, तमाम सियासी मामलात हो सकते हैं कि दिगर पार्टियां, पार्टियों के लीडर अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हो। इसका फायदा होगा या नुकसान, भाजपा और दिगर पार्टियां अपने अपने तौर पर हिसाब किताब में मसरूफ हैं और उसमें लगे हुए हैं, पर जिस काम को लेकर तमाम अफरा तफरी चल रही है इसका क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली वारदात नहीं है कि इसे महज सियासी कहकर नजरअंदाज किया जाए। कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर मुसलमान है तो उसकी अहमियत को घटाते हुए जलील कर देना एक बड़े मंसूबे की तरफ इशारा करता है और इस पर तमाम कौम मिल्लत के जिम्मेदारान जमातों तंजीमों को बैठकर सोचना होगा। कुंवर दानिश अली भले बसपा के हो और बसपा पार्टी ने मुसलमानों के खातिर क्या किया क्या नहीं किया एक अलग बहस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, MIM या कोई और भी पार्टी से हो अगर कोई मुसलमान है और कुछ जीतने के बाद काम भी ना किया हो तो बतौर मुसलमान ही उसकी गिनती होती है, और जब जानबूझकर संसद में कठमूल्य देशद्रोही कहा जाए तो पूरी कौम को एक तरह से चुनौती कह सकते हैं। लेकिन पता नहीं मुस्लिम समाज को क्या हुआ है, कुछ भी हो जाए लेकिन इस कौम में जर्रा बराबर भी पेशानी पर शिकन देखने को नहीं मिलती। इनके इजलास, इनके मजलिस, इनके मसलक, इनके इज्तमात, उर्स, कवालियां बराबर चलते रहते हैं और पूरी की पूरी कौम इसी को मुकम्मल दीन समझ रही है। सड़क पर मॉब लिंचिंग की गई, यह खामोश रहेगा। जाकिर नाइक पर कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ क्योंकि वो अहले हदीस था। मौलाना साद पर कोरोना के वक्त निशाना बनाया गया, अच्छा हुआ तबलीगी है।
यती नसीमानंद के वक्त मुफ्ती सलमान हजरी के दरमियान बहस छिड़ी तो मामला कार्रवाई तक पहुंचा, लेकिन बजाय इसकी हिमायत में पूरी कौम उतरती। अच्छा हुआ बरेली भी है कार्रवाइया रहा। इसी तरह कलीम सिद्दीकी पर भी हमने यही रद्दिया मत देखा। मस्जिदे मोहल्ले यहाँ तक मदरसे भी मसलक की बुनियाद पर बनाए गए, फिर टोपियां और झंडों को भी मसलक में बांट दिया। कभी मुत्तहिद होकर सड़कों पर मुसलमानों के मसाइल के लिए लड़ने की तौफीक हमें इज्तमाही तौर पर कभी नहीं हुई। आज भी मुस्लिम समाज उसी में उलझा हुआ है, किसी भी मसले पर ऐसा खामोश रहता है जैसे ये मसला इसका है ही नहीं। संसद में कुंवर दानिश अली को दहशत गर्द मुल्ले की शुरुआत ही सड़कों पर तुम्हारी पहचान देकर हमले किए गए, मस्जिदों पर भगवे परचम लगाए गए, और आज भी हरियाणा में मजारों को मसमार किया जा रहा है। हत्ता के स्कूली बच्चों को तक मुसलमान होने पर असातिज़ाओं की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। कंडक्टर अगर मुसलमान है तो खातून उससे बहस करती है और टोपी उतारने पर मजबूर कर देती है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे घर में रखो। यहाँ तक बाजारों में बुरखा पहनकर घूमने वाली मुस्लिम खवातीनों के बुरखे खींचे जा रहे हैं। यकीनन मदरसे मस्जिदें मुसलमानों के इस्लाम के किले हैं, लेकिन महज चंदा इकट्ठा कर उन्हें तामीर करने के साथ हिफाजत करने वाले जियाले तो पैदा हो जाए। जब संविधान तुम्हें तुम्हारा मजहबी हक देता है तो उस संविधान के दायरे में आवाज क्यों नहीं उठाई जाती। खामोशी तुम्हारी बुजदिली को जाहिर करती। आखरत का तसव्वुर तो महज बयानों तक ही है। आज का मुसलमान तो हजार साल जीना चाहता है, तभी तो बड़ी बड़ी तंजीमें दीनी सियासी रहबर खामोश बैठे हैं। रह गई रस्म अजां रूह बिलाली न रही, जब दीन इस्लाम लुट रहा हो, मुसलमानों को सरे बाजार रुसवा किया जा रहा हो, और बजाय रस्म शब्बीरी को अदा करने के लाइट बंद करके रोना, क्या तुम्हारी नीयतों को अल्लाह नहीं देख रहा। घरों में बैठकर कभी इनकलाबात बर्पा नहीं हुआ करते। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पहले फिक्र अमल फना होती है, फिर किसी कौम के शौकत पर जवाल आता है। खैर, कुंवर दानिश अली को दहशतगर्द कहना और भद्दी गालियां देना ये एक मंसूबे के तहत ही अंजाम दिया गया। राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था उसे एक बार फिर से दोहराना जरूरी समझूंगा। जब देश की सड़कें जब गूंगी और सुनी हो जाती है तो उस देश के संसद आवारा और बदचलन हो जाते हैं। मुसलमानों के उलमा दीनी सियासी रहबरों को चाहिए था कि जब पहली मर्तबा मुसलमानों पर उंगली उठाई गई तब ही सख्त एहतजाज करते, आवाज उठाते, लाठियां खाते। लेकिन नैश परस्त कौम के तमाम जिम्मेदारान तंजीम इदारों ने मसलहत के तहत खामोशी अख्तियार की। आज जब ज्यादती जिल्लत की इंतहा हो गई है, सड़क पर मॉब लिंचिंग से संसद में दहशत गर्द कहने तक पहुंच गए, पर आज भी मुस्लिम दीनी सियासी रहनुमा खामोश है, ये भी उतनी ही ताज्जुब की बात है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। कल बरोज इतवार अंजुमन हॉल में जश्न मिलाद के मौके पर इत्तेहाद न्यूज और यस इंडिया की जानिब से तरही नातिया मुशारा रखा गया। उम्मत कई खानों में बटी है आखा, इस मिसरे पर मुख्तलिफ शोरा अपना कलाम सुनाएंगे, लिहाजा 8 बजे रात को मुशायरा शुरू होगा। सभी से गुजारिश है कि इसमें शिरकत फरमाए। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।